तो हमने हमारी शुरू के लिए उनका फेवरेट रेड वेल्वेट केक मंगाया है और हम अभी उनको ये सरप्राइज़ देंगे। उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम उनके लिए केक ले आए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, यादव जी पेंटिंग करते हुए। तो चलिए चलते हैं। हे माऊ, हैप्पी बर्थडे माऊ। ओए मेरी माऊ, उठ जा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग। हाँ, हैप्पी बर्थडे। फ्रिज में तो ये नहीं था, कहाँ से ले आए आप लोग? अभी लाए क्या? ये आपके लिए ऑर्डर किया हम, अब भी आए ये सच में? सच में ओह माय फेवरेट रेड वेलवेट। आपका बर्थडे गिफ्ट केक? केक नहीं, अच्छा ये ये बर्थडे गिफ्ट है? बाप रे, ये मेरे ख्याल से शायद वही है जो मैं ला के रखी हूँ। अरे थैंक यू सो मच। लेकिन सच में फ्रिज में मैं देखी, ओ ब्लॉगिंग भी कर रहे हो, मेरा ध्यान ही नहीं मैं तो रहता। बस वीडियो बना रहा हूँ यार। अच्छा थैंक यू। वैसे मैं अच्छा हुआ ये मोमेंट कैप्चर कर लिए आप। तो केक काटें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी, हैप्पी बर्थडे डियर मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है इस वजह से। और अभी मैं हूँ ऑफिस में किरण और अंजलि के साथ। हैप्पी बर्थडे टू जी। थैंक यू। बस हम लोग को एक ही ख्वाहिश है, क्या है अंजलि? कि जल्दी से हमें लोग बड़ी बड़ी मम्मी मम्मी बन बन जाए। जाए। अच्छा देखते हैं, ये पता नहीं अच्छा लगेगा तो काट दूंगी, नहीं लगेगा तो रहेगा। वैसे ये लोग और विश कर चुके हैं मेरे को, लेकिन मैं सोची कि जो मेरे पति देव ने कल रात को जो ब्लॉग सॉरी जो वीडियो बनाया है मेरे बर्थडे का, वो मैं कंटिन्यू करूं कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं क्या क्या कर रही हूँ। और ये है मेरा बर्थडे ड्रेस जो मैं बहुत मुश्किल से आज मेरे को मिला है ये फाइनली, क्योंकि इसके लिए मेरे को बहुत मतलब मेहनत करना पड़ा। इस वजह से मैं इसको बैक से दिखाती हूँ आप लोग को मेरा ड्रेस। तो अभी हम आए हैं मेरे बर्थडे का ट्रीट सेलिब्रेट करने के लिए, लंच लेने, पैक करवा रहे हैं अभी, ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया है। अभी हम आए हैं अमृतसरी, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम भूल गए, मैं बाहर लिखा हूँ, अमृतसरी ही बोलते हैं हम लोग, इस वजह से अमृतसरी अमृतसरी ही निकल रहा है मेरे मुँह से। तो अभी हम यहाँ आए हैं, बहुत भीड़ है, 10 मिनट टाइम लगेगा बोल रहे हैं, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे ऑफिस, उसके बाद हम करेंगे लंच। हाय गाइस, तो हम लोग फिर से आ गए हैं ऑफिस। और अभी आज हम लोगों का जो हम लोगों को जो खाना था, जो हम लोग लंच करने वाले थे, वो है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस, यहाँ पे हो रही है बर्थडे सेलिब्रेशन का पार्टी। और यहाँ सबसे पहले ये सब तो साइड में, ये सबसे पहले अंजलि की मम्मी आंटी के हाथ का बना हुआ ये कोफ्ता, लौकी का कोफ्ता। और ये है क्या है, हांडी बिरयानी, उसके बाद हाँ मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एसी अच्छा बंद हो गया, इसी की वजह से बंद किया। और ये है पनीर चिल्ली, और ये अभी हम बस खाएंगे। और रायता और वो कहाँ है उसका ग्रेवी? हाँ रायता और ग्रेवी इसमें। तो चलो हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा पेट ना इतना भर चुका है कि अब कोई परमिशन दे दे यहाँ कि सोना है करके, तो हम सो जाएंगे इतना। किरण नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत बर्थडे करने में हम लोग को क्या करें, एकदम पेट फूल रहा है, मतलब सोने के लिए बस ऑफिस से छुट्टी मिल जाता तो मज़ा आ। अच्छा चलो मैं डिक्लेयर कर देती हूँ अभी छुट्टी, हाफ डे, सेकेंड हाफ डे कर दीजिए आपका मम्मी, मेहरबानी होगा, हम बिना जी ठीक।
तो अभी हम लोगों ने एकदम पेट भर के लंच कर लिया। अभी हम मतलब मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी थोड़ा सा घर, क्योंकि पांडे जी फ़ोन बार बार कर करके मेरे को परेशान कर रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ सरप्राइज़ है, देखते हैं अब वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या सरप्राइज़ है। चलो फिर मिलते हैं वहाँ। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन इट्स माय बर्थडे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कार में हूँ और अभी पांडे जी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बस उन्होंने बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए करके। तो अभी मैं तैयार होके कार में चुपचाप बैठ चुकी हूँ और अभी हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में वो लाइट नहीं आती ना, पूरा काला काला आ जाता है, इसलिए मैंने यहीं वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि रात को 12 बजे केक लाके उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था और ऑफिस में भी आपने देख ही लिया होगा कि कैसे सेलिब्रेट किया है हमने। और फिर अभी तो ये है, जा रहे हैं हम। तो अभी मैंने आज पहना है रेड कलर की बहुत प्रिटी सी साड़ी और गले में आ गया पांडे जी, हो गया और गले में है चोकर। और नॉर्मली टॉप्स पहना है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं किया है क्योंकि सिंपल में इतना प्यारा लगता है ना ये, इस वजह से। तो कहाँ लेके जा रहे हो आप मेरे को? दो मिनट में। अच्छा, घूम के फिर वापस घर जाना है? अरे मैगी खिलाऊंगा 2 मिनट। अच्छा, मैगी खाना है 2 मिनट में? 2 मिनट वाला मैगी खिलाऊंगा। अच्छा, मैगी पॉइंट जा रहे हैं क्या? यस। हाँ? इतने तैयार हो के मैगी पॉइंट कौन जाता है? हम लोग यार। अच्छा, तो पांडे जी और मैं जा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक मुझे तैयार करके बिठा दिया है कार में और अभी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। हमारी गाड़ी चालू हुई है और रास्ते का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं श्री राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी सुबह से इच्छा थी कि मंदिर जाना है करके। तो हम आए हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। चलो तो अभी हम आ गए हैं राम मंदिर में। अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में, जहाँ का मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। बार बार फ़ोन आ रहा है पांडे जी को कि कहाँ हो, जल्दी आओ। ये लाइटिंग में इतना अच्छा लगता है ना, ये फ़ोटो बहुत अच्छी आती है ऐसी लाइटिंग में। माई फ्रेंड, माई सखी एंड सहेला। मित्र मिलन समारोह। अरे बाय 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 बाय। हेलो सखा, मिलेंगे और सब बढ़िया। बाप बढ़िया। आप लोग नहीं, ये अलग है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये देखिए आप लोग क्या क्या मेरे को वही चाहिए।
अरे चलो रोड में, रोड में मित्र मिलन मत करो, चलो चलो चलो। ओह माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, वाओ सो प्रिटी, थैंक यू। इट्स योर बर्थडे? इट्स माय बर्थडे। नो, इट्स माय बर्थडे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पिंक बलूची और हम जा रहे हैं अंदर। इतना खाली खाली क्यों लग रहा है, सब अंदर है क्या? सब हमारे लिए खाली करवा दिए गए। अच्छा, हमारे लिए खाली करवा दिए गए। और मेरी पूरी फैमिली आ गई है, सखी आ गई है, सहेला आ गया है और ये पूरे भाई लोग आ गए हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जो केक ला रहे हैं, नहीं केक ला रहे हैं जो मेरे फ्रेंड है दोनों, वो ही लोग नहीं आए हैं। मतलब बर्थडे में केक ही नहीं है, बताओ। बाकी सब स्टार्टर चल रहे हैं यहाँ पे, और मेरे ससुराल वाले भी नहीं आए हैं, अभी उनका वेट कर रहे हैं, फिर केक कट करेंगे। हाय। मैं तो अच्छा, वहाँ बताओ आप कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया। तो मेरे को अभी तक लग रहा था कि मैं चीफ गेस्ट, जो मेरे बर्थडे का फंक्शन है वो मैं हूँ, पर यहाँ पे मैं गलत साबित हो गई हूँ। हम सब गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि दो लड़कियाँ हैं जो पूरा प्लान का बेड़ा गड़ करके रख दिए हैं। दो लड़कियाँ ये हैं। अच्छा, हाय भी बोल रहे लोग। लेकिन मेरे का ये था, उम्मीद था किसी एक आदमी पहले दोनों आ जाए बोल के, लेकिन आए दोनों सबसे लास्ट। ये लोग सबसे लास्ट आए हैं, सबसे लास्ट। बोला कुछ भी उठाओ खिलाओ, जल्दी अपडेट हो गया।
गाइस हमारा अब खाना हो चुका है और अब हम थोड़ा सा फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं और मैं आपको बहुत सुंदर सी चीज दिखा रही हूँ। देखिए सुंदर सा चूड़ी डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है उतार के सीधा पहन लो हाथ में, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या करें? गो। तो गाइस जैसे कि आज मेरा बर्थडे आपको पता ही है, तो ये सुंदर सा प्यारा सा पैकेजिंग, थोड़ा मेरे को अंदर के गिफ्ट से अच्छा ये थैला अच्छा लग रहा है। तो ये माही जी ने दिया है मुझे और इनकी डिमांड है कि तुरंत गिफ्ट को ओपन किया जाए, तो मैं ये ओपन कर रही हूँ। इसमें आवाज़ नहीं आ रही, ठीक से लग रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा मेरा, ऐसा लग रहा है। नहीं मेरा बर्थडे पैदा हुई माँ जी। प्रोटॉनिक्स का बोर्ड्स, प्रोटॉनिक्स खोल रही है माता, प्रोटॉनिक्स का बोर्ड्स। एक काम करो आप ही खोलो यार, मैं थोड़ा अच्छी चीज के लिए भगवान तरसाते हैं इसलिए मेरे को। ओह माय गॉड क्या है, इट्स माय, बाप रे, हाय तो थैंक यू। आदमी ना और बढ़ाओ यार, पता है अगले दिन में ब्लॉगर मुझे पता है, मैं अलग सोची थी। क्या है बता, पब्लिक को बता दो तो क्या है ये है। गाइस ये एक्चुअली मैं क्या है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों को पता ही है, तो ये माइक है जो हम मतलब ऐसे वायरलेस माइक है, और वैसे तो मेरी आवाज़ कई बार कुछ वीडियो में थोड़ा अलग आ जाता है, इस वजह से माइक। थैंक यू सो मच टीपू भैया एंड माई जी, वेलकम एंड छोटू बेबी, उसका भी थोड़ा हाथ वाथ लगा होगा। थैंक यू तो ये सेकंड गिफ्ट है गाइस, ये पता नहीं इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये पता ही चल जाएगा मेरा ब्लॉग देखेंगे तो। ये ओह माय गॉड, ये ना मेरे भाई ने दिया है लग रहा है, हाँ क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो जो छोटी वाली भतीजी है ना नित्या, वो बोल रही थी बुआ आपके लिए ना बैग लाए हैं ऐसे करके। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, थैंक यू सो मच। और ये मेरी फ्रेंड भी है पूनम, देखते हैं। ओ वाह ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस कुर्ती है। गिफ्ट दी है मेरे को पारुल, तो ये भी क्या बात है, मुझे बहुत ड्रेस मिल रहा है। ओहो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, थैंक यू पारुल। हम लोग ना गाइस वैसे जाने वाले हैं घर, लेकिन मेरे को गिफ्ट इतना पसंद है ना, इसलिए मैं, आप देख सकते हो हमारी कार यहाँ खड़ी हुई है और हम कार के पीछे तरफ हम गिफ्ट खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। तो ये जीवी फैशन, मेरे को याद नहीं आ रहा ये कौन दिया है, तो जो भी दिया होगा थैंक यू। ओहो माय गॉड सेट गले का, बहुत ही प्रिटी सा, ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत। और ये इसका इयररिंग है, थैंक यू। मेरे को याद नहीं आ रहा है उसके, मेरी फैमिली में ही कोई दिया है, मेरे को याद नहीं आ रहा पर क्योंकि उस टाइम पे इतनी भीड़ हो गई थी, मतलब सब लोग दे रहे थे ना, तो मेरे को याद ही नहीं रहा कि किसने कौन क्या दिया है। और ये जिसको हर किसी को इस लिफाफे को देखते ही खुशी मिल जाती है, ये अम्मा ने दिया है, मतलब मेरी नानी सास है, और मामी मौसी मौसी मेरी मम्मी, अच्छा मेरी मम्मी तो पहले ही गिफ्ट दे जाती है यार, भूल जाती हूँ। गाइस अभी 11:22 हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो आप एकदम महाराजा, नहीं इयर रिंग गलत हो जाएगा थोड़ा, ये बहुत, ये जो सेट मिला है मुझे, नहीं ये सच में कोटी वगैरह में बहुत प्यारा दिखेगा ये, बोलना चाह रही कोटी लेना है, नहीं कोटी है लेना नहीं है कोटी है उसमें आप ये पहनना ठीक है, गाड़ी बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 11:22 हो रहा है
तो मेरा जो बर्थडे है वो 12 बजे फिर खत्म हो जाएगा, तो ये लोग मेरे बर्थडे के खत्म होते तक साथ में रहेंगे, साथ में रहे। साथ में फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब। तो फ्रेंड्स अब हम फाइनली रात में जा रहे हैं अपने घर, और आगे भैया है, भैया और माहिया। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइटिंग नहीं है और रात भी बहुत हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे पति देव को, थैंक यू। इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा जब सब आए मेरे खुशी में, अपनी खुशी सेलिब्रेट करने। तो बस ऐसा ही, भगवान करे मुझे हर टाइम ऐसे ही सरप्राइज मिलता रहे ऐसे ही सरप्राइज मिलता रहे, मतलब ऐसे ही मेरे परिवार जुड़ के रहे, प्यार बना रहे, हंसी ठिठोली होती रहे, हम सब एक साथ मिल के रहे। ओके, तो ये था मेरा बर्थडे, ऐसा गुजरा मेरा बर्थडे का डे। तो ये गुड नाइट राधे राधे, एंड लास्ट टाइम हैप्पी बर्थडे टू मी।